दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी का अपहरण हुआ। खबरों के मुताबिक रात भर पिटाई करने के बाद युवती को बेहोशी की हालत में बंदूकधारी फेंक कर भाग निकले। इस घटना के बाद भारत ने वहां अपने राजनयिकों और उनके परिजनों को सतर्क रहने और सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरतने को कहा है। बता दें कि इस मामले में फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मामले की तत्काल जाँच की मांग की है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस युद्धग्रस्त देश में मई में आयोजित चुनाव को पश्चिमी देशों और असद के विपक्षियों ने अवैध और महज दिखावा करार दिया था। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति महल में हुआ और इसमें धार्मिक नेता, संसद के सदस्य और सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। असद साल 2000 से ही इस देश की सत्ता में हैं और उनका एक बार फिर से राष्ट्रपति बनना संदेह के घेरे में बिल्कुल नहीं था। अफगानिस्तान में शांति का नाटक कर रहे पाकिस्तान को अफगान सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में हाल ही में अफगान शांति सम्मेलन का आयोजन होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। पाक मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान सरकार ने इस सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सम्मेलन को टालना पड़ा। इस सम्मेलन को तब टाला गया है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एक सम्मेलन के दौरान कहासुनी हो गई थी। नासा का कहना है कि मौसमी बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह चांद भी हो सकता है। नासा ने भविष्य में चांद की अपनी ही धुरी पर डगमगाने की संभावना जताई है। अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने कहा कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 2030 में चांद भी डगमगा सकता है। चांद के इस तरीके से डगमगाने से धरती पर प्रलयकारी बाढ़ आ सकती है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19 करोड़ के पार पहुंच गया है, तो वहीं 40,91,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अब तक 17 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। ब्रिटेन में कोरोना का खतरा बरकरार है। पिछले 24 घंटे में यहां 51,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। वहीं इंडोनेशिया में कोरोना से बड़ी संख्या में मौतों का सिलसिला जारी है। यहां एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीनी और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को प्राकृतिक उत्पत्ति बताया है। वैज्ञानिकों के दल ने वायरस को इंसान द्वारा निर्मित नहीं करने की दलील भी दी है।